वेलकम टू टाइम्स ड्राइव अड्डा। मैं मौजूद हूँ ऑटो एक्सपो 2023 में लेक्सस के स्टॉल पर और मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर नवीन सोनी, प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। इफ यू कैन टेल अस मोर इन डिटेल अबाउट द कार, क्या आप ग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस करी आपने यहाँ पर? श्योर। सो ये हमारी मोस्ट पॉपुलर क्रॉस ओवर एसयूवी है जो कि लेक्सस से एशिया पैसिफिक में सबसे पॉपुलर गाड़ी है। पहले भी ये गाड़ी हिंदुस्तान में हम रखे थे, लेकिन जो न्यूअर मॉडल है द टू रो कॉन्फ़िगरेशन विद अ मोर पावरफुल इंजन और एस स्पोर्ट कैपेबिलिटी। एस स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो स्पोर्ट्स मॉडल जिसे आप कह सकते हैं रफ लैंग्वेज में, वो कैपेबिलिटीज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पहली हमारी कनेक्टेड कार है। कनेक्टेड कार का मतलब ये होता है मोबाइल फ़ोन से फंक्शन से इसका एसी चालू कर सकते हैं, इस गाड़ी को चालू कर सकते हैं, इसको आप कुछ और स्मार्ट फीचर्स दैट यस स्मार्ट फीचर्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट यू कैन एडजस्ट यूजिंग स्मार्ट फीचर्स। नाउ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर दिस काइंड ऑफ अ व्हीकल इज दैट इट इज़ अ क्रॉस ओवर एस यू वी। क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है कि पैसेंजर कार का तो कम्फर्ट है और स्पोर्ट्स व्हीकल की कैपेबिलिटी है। तो अगर आप इसको ऑफ रोड भी लेके जाते हैं तो आपको कोई इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसको मैं कैसे इसको ऑफ रोड कर सकता हूँ क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है। कैपेबिलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग व्हाट ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ द कार हैज़? इट इज़ हर व्हील के ऊपर अलग एक मोटर लगी हुई है। ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हर व्हील इंडिपेंडेंटली पावर किया जा सकता है। फोर व्हील ड्राइव से भी आगे कैपेबिलिटी इसलिए है कि अगर कोई व्हील कहीं पे एक कोने में फंसा है तो बाकी व्हील्स उसको कैन पुश इट अप। आरएक्स के अलावा जो भी लेक्सस के पोर्टफोलियो में गाड़ियां हैं, सो इसकी टाइमलाइन किस तरह से अभी आप सेट कर रहे हैं कि बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी हैं, सो आने वाले कितने समय में ये गाड़ी शोरूम्स में देखने को मिल सकती है, कस्टमर्स इसको खरीद पाएंगे, इसके प्राइस अनाउंसमेंट कब तक होगा? श्योर। तो हमने कल ये बोला है कि एज फार एज दिस व्हीकल इज कंसर्न, हमने बुकिंग इसकी परसों इसकी अनाउंस की थी। बुकिंग अनाउंस करने के बाद में हमने इसकी बोला था कि दो से तीन महीने मार्च के आसपास हम इसकी जो है प्राइस अनाउंस करेंगे और उसके बाद में हम इसको गाड़ी को सेकेंड क्वार्टर टुवर्ड्स मई या जून तक हम गाड़ी कस्टमर तक पहुंचा देंगे डीलरशिप्स में। आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसके बारे में जान सकें, समझ सकें, क्योंकि कस्टमर का मानस बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एक मानसिकता का चेंज आ गया है। ओके, इंडियन इकॉनमी या इंडियन माइंडसेट हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ अ सेविंग कंट्री। ओके, वी आर नॉट अ क्रेडिट कार्ड कंट्री, बट द चेंज दैट कोविड हैज़ ब्रॉट इन इज दैट पीपल हैव सीन लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पीपल हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिले दोबारा। सो लेट्स लिव इट लाइक किंग साइज। एंड लेक्सस बीइंग अ लग्जरी ब्रांड एंड लेक्सस हमेशा से अपनी जो स्टाइलिंग डिजाइन एलिमेंट्स हैं प्रीमियम गाड़ियों में लेकर, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स लेक्सस की गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। मैं इसका फेस देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारा नयापन इन टर्म्स ऑफ फेस, हालांकि ग्रिल वही लेक्सस वाली जो फील है वो दे रहा है एंड ओवरऑल, लेकिन जो डिज़ाइन है वहाँ पर थोड़ा और नयापन इसमें देखने को। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ इस ग्रिल के बारे में। अगर दूसरे ग्रिल से इसको कंपेयर करेंगे तो वो ग्रिल एडिशनल आउटसाइड से लगाई जाती है, इसके अंदर ये बॉडी ग्रिल है। बॉडी ग्रिल का मतलब ये होता है कि इसके बॉडी के इंटीग्रेटेड वो ग्रिल है। हम उस कस्टमर को भी एक यूनिकनेस देना चाहते हैं जो कि इसने इस गाड़ी का पोलर रूप भी देखा है, उसको एक नया वर्जन पेश करना चाहते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी ट्राई टू डू दिस चेंजेस सो दैट ही फील्स अ सर्टेन नॉवल्टी। एवरी कस्टमर इन द लग्जरी कार मार्केट वांट्स पर्सनलाइजेशन, जो मेरे पास में वो किसी के पास में है या नहीं है। तो ये चीज़ें चलते हुए वी बीन ट्राइंग टू डू दिस इनोवेशंस, वी बीन ट्राइंग टू डू दिस थिंग्स सो दैट एवरी कस्टमर फील्स यूनिक, एवरी कस्टमर फील्स प्रिविलेज्ड, एवरी कस्टमर फील्स दिस इज़ फॉर मी। एंड पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ से आगे जो RX यहाँ पे हमें देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिक, देयर आर कपल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन योर पोर्टफोलियो, सो आगे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द कस्टमर बेस एंड गेट द कस्टमर्स टू गेट इन टू इलेक्ट्रिक एंड मोर? तो क्योंकि आने वाले 2 साल मुझे लगता है, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, आने वाले कुछ साल भी बहुत अच्छे मुझे लगता है रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह से स्पेस को कैप्चर करने का सोच रहे हैं? श्योर। करेंटली मेरा पोर्टफोलियो 97% ऑफ द कार्स दैट लेक्सस सेल्स वो होती हैं सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, इलेक्ट्रिक मैंने इसलिए एम्फेसिस दिया क्योंकि 60% ऑफ द टाइम गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह से चलती है और हिंदुस्तान में आप ब्रेक ज़्यादा और एक्सीलेटर कम यूज़ करते हैं। जब भी आप ब्रेक यूज़ कर रहे होते हैं तो आप गाड़ी को अंदर फ्यूल भर रहे होते हैं।
तो दैट इज़ द यूनिकनेस अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। इसके चलते हुए हमने अभी जो करंट प्रोडक्ट लाइनअप है उसको 97% हाइब्रिड इलेक्ट्रिक रखा है, उसमें चार्जिंग की एक्सटर्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूचर में लास्ट ईयर दो साल पहले दिसंबर में हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि लेक्सस ब्रांड 2035 तक सारी बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएगा, सारी फ्लीट इलेक्ट्रिक हो जाएगी, ओनली बैटरी इलेक्ट्रिक। सो टुवर्ड्स दैट वी हैव ब्रॉट इन टू कॉन्सेप्ट मॉडल्स और एक मॉडल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसको हम लास्ट 6 महीने से यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी के साथ में एक ही प्रॉब्लम होती है कि बैटरी के दो दुश्मन होते हैं, एक तो हीट और एक डस्ट। तो वो दोनों को बस संभालने के लिए आपको ट्रायल्स करने होते हैं ताकि कस्टमर के पास में जब वो गाड़ी पहुँचे तो परफेक्ट कार हो। तो लास्ट 6 मंथ्स वी बीन ट्राइंग आउट दिस व्हीकल्स राइट फ्रॉम हिमालयस टू द थार डेजर्ट्स एंड वी हैव बीन टेकिंग फीडबैक एंड ट्राइंग टू गिव दैट फीडबैक टू आवर हेड ऑफिस सो दैट दे कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस एंड वॉट एवर दे कैन डू जिस तरह मेक दिस कार रिक्वायरमेंट जो भी टेस्टिंग चल रही है बिल्कुल। सो इन दिस फाइनेंशियल ईयर कैन वी एक्सपेक्ट अनदर इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम लेक्सस? This financial year we are talking about LM which is the again a self-charging hybrid electric vehicle. इस गाड़ी की अपनी uniqueness है, मोबाइल ऑफिस है, दो सीटें हैं खाली पीछे, इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन खाली दो सीटें हैं और 48 इंच का टीवी होगा उसमें और उसके साथ में एक मोबाइल ऑफिस की जैसे कंफर्ट होगा, टोटल प्राइवेसी रहेगी। तो आज की तारीख में जैसे रोड कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं तो लोग इसकी बजाय कि वो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकलें और फिर 1 घंटा एयरपोर्ट पर वेट करें, they might drive to smaller distances in this car and within the city also they can use this. So focus is currently on self-charging hybrid electric vehicles to answer your question, but the future will be all electric. Thank you sir, thank you so much for thank you so much. Thank you.